Everyone, welcome to our new video and welcome to Airline Commander Gameplay. तो आज हमारा टास्क है, शुरू से शुरुआत करेंगे गाइस हम Airbus A320 के साथ में, और हमारा टास्क है फुल लैंडिंग और सिंपल लैंडिंग का। तो शुरू करते हैं, पर उसके पहले गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टास्क, सिंपल लैंडिंग से शुरुआत करेंगे। सिमुलेशन हार्ड, ठीक है। तो ये शुरू हो चुका है यहाँ पे। सबसे पहले हम फ्लैप्स डाउन कर लेंगे। हमारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके हैं, स्पीड सेंसर और एल्टीट्यूड सेंसर दोनों ही। तो अब हमें अंदाज़े से ही प्लेन को लैंड करवाना होगा। यहाँ से हम स्पीड को भी कम कर देंगे। तो इस बार अब हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारी स्पीड कितनी है, शायद परफेक्ट लैंड हो पाए या ना भी हो पाए हमारा। ओके, लैंडिंग गियर डाउन हो चुके हैं हमारे। हम कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं वो भी हमें पता नहीं है। सब कुछ विजुअली ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें। ओके, 300 है इसने बोल दिया, तो हमें पता चल गया है अब। ओके, बिना स्पीड सेंसर के शायद ही हम परफेक्ट लैंडिंग कर पाए गाइस, पर मैं ट्राई पूरी करूंगा परफेक्ट लैंडिंग करवाने की। 50, 30, retard. ओके गाइस, परफेक्ट लैंडिंग करवा दिया है मैंने। ब्रेक्स भी लगा दिए है और इंजन रिवर्स पर है। ओके, तो हमारा प्लेन भी रुक चुका है और इसके साथ ही हमारा सिंपल लैंडिंग का टास्क ख़त्म होता है। अब फुल लैंडिंग करवाना है। नहीं, शुरू कर देते हैं यहाँ से फुल लैंडिंग भी। ओके, तो सबसे पहले फ्लैप्स डाउन, एयर ब्रेक हमारे काम नहीं कर रहे हैं। अभी ऊपर मैसेज आ चुका है। स्पीड कम कर देते हैं प्लेन की। ओके, लैंडिंग गियर डाउन और 133 नॉट्स के स्पीड के आसपास हमें टच डाउन करवाना है प्लेन को। 500. टैक्सी वे ज़्यादा लंबा ना हो तो अच्छा है गाइस, इस फुल लैंडिंग के टास्क में हमारे। ओके, तो अब लैंडिंग होने ही वाला है। 50, 30, retard. ओके, तो परफेक्ट लैंडिंग करवा दिया है गाइस हमने। स्पीड कम कर रहा हूँ मैं प्लेन की और ये टैक्सी वे आ चुका है हमारा पूरा का पूरा, मैप में देख लेंगे हम। ठीक है, तो कुछ उतना ज़्यादा लंबा है नहीं, मतलब कितना छोटा भी नहीं है, बीच वाला है। फ्लैप्स उठा लेता हूँ।
थोड़ा सा इंजन में पावर बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। ओके 28 तक ठीक है। ओके अब यहाँ से हमें टैक्सी वे शुरू करना है और हमारा रनवे छोड़ देना है। हाँ हाँ पता है मेरी स्पीड ज़्यादा है, कम कर ही रहा हूँ मैं। ओके गाइस तो अब हमें हमारे दिए हुए टैक्सी वे पर प्लेन को ले जाना है और आखिर में प्लेन को पार्क भी करवाना है। ओके पहले हमें इस वाले प्लेन को जाने देना होगा, तब तक के लिए हमें रुक जाना होगा यहीं पर जब तक कि वो सामने वाला प्लेन रास्ता क्रॉस ना कर ले। ओके वो चला गया है। बीच बीच में हमें टैक्सी वे देखते रहना है ताकि हम अपने टैक्सी वे पर ही रहे, कहीं ज़्यादा इधर उधर ना चले जाए वरना उसके भी पॉइंट्स कट जाते हैं। ओके अब यहाँ से सीधा आगे तक जाके वापस यू टर्न मार के आना है, यहाँ वापस से रुकना होगा हमें, दूसरे प्लेन को पहले रास्ता देना है। ओके आगे से पूरा यू टर्न मार के फिर से वापस। ठीक है यहाँ वापस से रुकना है। ओके इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा रुकने को बोला गया है गाइस, ये तीसरी बार रुके हैं हम किसी प्लेन के लिए, अब एक भी बार हमें रुकने को ना बोले तो अच्छा है। कहाँ से मोड़ना है, आखिरी वाले टर्न में मोड़ना है हमें। ठीक है यहाँ से अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है और हमारा पार्किंग अब सामने ही दिख रहा है हमें, A10 वाला। स्पीड कम कर देते हैं अभी से। तो गाइस अगर आप लोगों को ये गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना गाइस, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है तो चाहते चाहते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना गाइस प्लीज़। इस दोनों येलो लाइन के बीच में हमें प्लेन को पार्क करवाना है और प्लेन के नोज को वो सामने जो पीला रेक्टेंगल है वहाँ पर। ओके तो ये हो चुका है, अब हमारा प्लेन पूरी तरह से लैंड, इंजन बंद कर देते हैं और ये टास्क हमारा ख़त्म होता है गाइस यहीं पर। ओके गाइस तो अब हम मिलते हैं हमारे नए अगले वीडियो में नए टास्क के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।